हेलो एवरी वन सोरी गुड गुड इवनिंग टू एवरीवन सो दिस कोर्स फॉर यूपीसीसी पी एसी सी एग्जामिनेशन गाइज एंड दिस कोर्सम इज लेट्स बैक यू पी एसी एंड अंडर दिस थीम वी आर डीलिंग विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट इज योर फंडामेंटल सीरीज द फंडामेंटल सीरीज इसके अंदर मैं देवराज झर्मा आपके फंडामेंटल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ थ्रू वेरीज वेरी सिंसियार्टिस राइट right. तो आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स की एनसीआर पढ़ेंगे और इलेवेंथ क्लास की इकोनॉमिक्स एनसीआर का चैप्टर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉवर्टी जिसको बोलते हैं ठीक है उस चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे राइट सो बिफोर स्टार्ट काइंडली लेट मी नो दैट आई एम डबल और नॉट सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर जस्ट गिव मी थम्स अप एंड आई विल स्टार्ट राइट चलिए बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अभी आप पढ़ रहे हैं ठीक है और आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया के हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स जो हैं ठीक है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अब आपको कोचिंग देते हैं राइट तो देखिए ये जो टॉप एजुकेटर्स है ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा रहे हैं अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे आनक, आ, कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो यही एजुकेटर्स आपको मिलेंगे बट इसके साथ साथ ये एन अकेडमी भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको एक हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स का जो ऑल ओवर इंडिया है ठीक है सारे एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे ठीक है अगर मान लीजिए आपको कोई एक एजुकेटर पसंद नहीं आता तो आप दूसरे एजुकेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं कहने का मतलब ये है हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर और पूरा कंटेंट जो भी वो अभी तक पढ़ा है अन अकेडमी पर अवेलेबल रहेगा राइट रहे इसी तरह से आप देख सकते हैं इलेवंथ क्लास की इकोनमिक्स एनसीआरटीम पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर चैप्टर नंबर फोर्थ पढ़ेंगे राइट बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो अगर आप अन अकेडमी से ऑफिशियली ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक प्लस कॉम्बो ऑफर इज गोइंग ऑन राइट और प्लस कॉम्बो के अंदर एक ऑफर है जिसके अंदर आपको फ्लैट फोर फाइव जीरो जीरो ऑफ मिल रहा है राइट right? इसी तरह से जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको टू फाइव जीरो जीरो का ऑफ मिलेगा फ्लैट ऑफ है राइट right? तो इसके अंदर आपको कोई कोड यूज नहीं करना है ठीक है आपको टेन परसेंट डिस्काउंट पे एक्स्ट्रा परसेंट डिस्काउंट मिलेगा लाइव डीवी कोड पे यूज करने पर राइट right? अब यहाँ पर यह समझ ये समझिए अन पे ये क्या है ये समझो कि व्हाट इज प्लस कॉम्बो क्या है प्लस कॉम्बो ये मैं आपको बताऊंगा और प्लस जीएसमी क्या अंतर है ये मैं आपको बता रहा हूँ राइट सो जस्ट ट्राई टू अंडस्टैंड अकेडमी पे प्लस कॉम्बो के अंदर आपका प्रेलिम्स एज वेल एज मीन्स और सी सेट ठीक है

तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है इट और प्लस कॉम्बो के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका फीस स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है प्लस जीएस का हुआ करता था राइट जिसमें ऑप्शन अच्छा प्लस जीएस क्या जिसमें ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं है GS, सारे फीचर्स हैं बस इसके अंदर ऑप्शन uh, नहीं, नहीं है तो प्लस जीएस के अंदर टू फाइव जीरो जीरो का आप, मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट अकेडमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मतलब यूपीएससीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं गो विद फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी वन रुपीज के अंदर वन ईयर तक आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर प्रोवाइड होगा राइट इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं दे समथिंग नोन एज आइकॉनिक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन एंड इज द इनोवेशन ऑफ एन अकेडमी और जिसके अंदर आपको लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है अकेडमी के मेंटर्स की टीम के द्वारा ठीक है तो पर्सनल कोचिंग यहाँ पर है लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है मेन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी कराई जाएगी स्टडी को आपकी प्लान किया जाएगी किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए ओपन हाउस आप ऑडियो right? so, एक अलग से टीम दी जा रही है प्रिपरेशन के अंदर आपकी हेल्प करेगी राइट right? आगे हम चले इसके अंदर तो आइकॉनिक मंथ अभी चल रहा है और ट्वेंटी पे भी थर्टी थ्री परसेंट का ऑफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं और एटीन मंथ का अगर आप आइकॉनिक तो फिर सेवेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स है कोड आपको जो यूज करना है दैट इज लाइव डीबी कोड लाइव डीबी कोड आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है राइट right. इसी तरह से सी सेट स्पेशल एक कॉम्बैट कॉम्पिटिशन अकेडमी कंडक्ट कराया कॉम्बैट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फोर्टी क्वेश्चन सिक्सटी मिनट्स के अंदर आपको करने होते हैं हर संडे को कॉम्बैट कॉम्पिटिशन होता है ग्यारह बजे थर्टीन फाइव को ग्यारह बजे कॉम्बैट कॉम्पिटिशन होगा जिसके अंदर एक्साइटिंग प्राइस

इस तरह से नए बैचे जो है अकेडमी पे नाइन्थ फेब से स्टार्ट हो रहे हैं नाइन्थ फेब से नए नए बैचे स्टार्ट हो रहे हैं आप इनके नाम देखेंगे तो ना आप समझ जाएंगे बायलिंगल बैच है ठीक है ये इंग्लिश बैच है इसी तरह से हिंदी मीडियम बैच बच लिए है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए तो जो भी स्टूडेंट जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहता है वो अकेडमी पे कर सकता है ठीक है आगे हम इसके अंदर देखें तो दिस इज वॉट दिस इज जी एस सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप इसके अंदर देख सकते हैं ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया दिया था फ्लैट ऑफ इसके अंदर जो है कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप यहाँ पर पा सकते हैं राइट तो आपको ये कोड याद रखना है कोड और ये लाइव डीवी कोड से आप आपकेडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेनिफिट्स जो भी चल रहे होंगे उस वक्त है ना टॉप मोस्ट बेनिफिट्स जो भी चल रहे हैं कोई रिटर्न कोड यूज ना करेगा लाइव डीवी कोड यूज करें और इसके अंदर सारा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा राइट चलिए तो फंडामेंटल सीरीज में आपका स्वागत है और फंडामेंटल सीरीज के अंदर हम इकोनॉमिक्स की एनसीआर पढ़ रहे हैं और इसके अलावा भी पॉलिटिक में बारह बजे पढ़ाता हूँ पर वो स्पेशल क्लासेस के अंदर है दैट इज लिंक इज प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल ठीक है इसी तरह से प्लस कोर्सेज इंटरनेशनल रिलेशन एप्टीट्यूड इकोनॉमिक्स मॉडर्न हिस्ट्री इसके प्लस कोर्सेज मैंने लॉन्च करे करें सारे कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ और फिफ्थ फाइव से नया बैच है ठीक है जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है ये सारे प्लस स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा तो जो भी प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो दे कैन ज्वाइन दिस वन राइट चलिए तो जैन 2021 से लेकर मे 2022 तक का करंट अफेयर्स 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं ठीक है थीके? और आप देखेंगे पाँच बजे एक क्लास होती है सभी इसको अटेंड कर रहे होंगे और एक और नई है प्रीलिम्स प्रेलम्स कमिंग सीरीज एक नई सीरीज हम लोग आ रहे हैं जो कि ट्वेंटी फिफ्थ को थ्री फोटी पर स्टार्ट होगी ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये लिंक्स आपको दे रखें इन सभी की जिसमें हिस्ट्री की एन की प्ले दे रखी है पूरी हिस्ट्री की एन कर रखी सिक्स से एट तक की पढ़ने ठीक है नाइन्थ क्लास की जोग्राफी एन की अपकमिंग क्लासेज और

ठीक है एल पी जीफॉर्म लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है ये अपने इसके अंदर समझा था हमने ये भी देखा था उससे हमारी इकॉनमी में क्या समस्या आई ये भी हमने देखा था आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पॉवर्टी ठीक है ये आज हम पॉवर्टी चैप्टर पढ़ेंगे और दैट विल बी चैलेंजेस कि अब हम ये इस चीज़ पे आ गए हैं इलेवंथ क्लास के एन के अंदर कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर और हमको हमने क्या क्या करा है उस चैलेंजेस को हटाने के लिए तो देखिए पॉवर्टी के अंदर हम समझेंगे अंडरस्टैंड द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉवर्टी ये इसके अंदर समझेंगे इस यूनिट के अंदर कॉम्प्रीन द डायवर्स डायमेंशन रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी डायवर्स डायमेंशन हैं वो हम समझेंगे इसके अंदर और अप्रिशिएट करेंगे कि पॉवर्टी को किस तरह से अपन एस्टिमेट uh, uh, करते हैं वो हम जानेंगे और ये भी देखेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इसका भी क्रिटिकल एवेल्यूशन करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके मीन्स के अंदर एज वेल एज प्रम्स सब्जेक्ट के अंदर काम हो सकता है प्रेलिम्स के अंदर काम हो सकता है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम समझेंगे कि गरीबी क्या होती है, है ना कि पॉवर्टी होती क्या है ये हम समझेंगे हमने पहले चैप्टर्स जो है उसके अंदर हमने ये समझ लिया कि जो लास्ट सेवन डिकेट्स के अंदर हमने क्या क्या पॉलिसी बनाई ये हमने इसके अंदर समझ लिया कि इंडिया की के इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या पॉलिसीज हमने बनाई उन पॉलिसीज का क्या क्या आउटकम हुआ ये हम समझ चुके हैं ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं ये वाली चीजें ठीक है यूनिट वन और यूनिट टू के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या हमने चैलेंजेस सहन करें उन उन उस जर्नी के अंदर ठीक है किस तरह से पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन कर है हमारे सामने और पॉवर्टी को रिडक्शन के लिए हमने क्या क्या चीजें करा तो प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का यही सबसे इंपॉर्टेंट एम था कि हम जल्दी से जल्दी गरीबी से बाहर निकले ठीक है पॉवर्टी से बाहर निकले और इंडिपेंडेंट इंडिया बने बिकॉज देखिए अगर आप पुअर रहेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो अगर आपको सोगरेंटी भी अचीव करनी है तो यू हैव टू बी वॉट यू हैव टू बी आउट ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी से रिड्यूस करना होगा आपको पॉवर्टी से बाहर निकल कर आना होगा राइट ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे द पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट दैट द सक्सेसिव फाइव ईयर प्लांस इन विशेष ऑन दिफ्ट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हमने हमेशा जो भी फाइव ईयर प्लान बनाया कोई सा भी ईयर प्लान आप, आप उठाकर देख लीजिए ठीक थी, तो 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 मतलब कि में जो लास्ट, लास्ट में खड़ा है उस पर्सन का उदय करना है हमको उसका अपलिफ्टमेंट करना है ठीक है तो अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर हमेशा फाइव ईयर प्लांस के अंदर कोई भी फाइव ईयर प्लान के अंदर आप देखेंगे तो अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर इज मेजर जो उसका होता है एम होता है हर फाइव ईयर प्लान का मेजर एम इसके अंदर देखा जाता है मतलब यह है कि पॉवर्टी के ऊपर हमेशा अपन हर फाइव ईयर प्लान के अंदर हम फोकस करके ये सब चीजें करेंगे ठीक है अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया है या फिर एग्रीकल्चर को सेक्टर को बढ़ाया तो उसके पीछे ये एक बहुत रहेगा कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किसी तरह से कम करना है राइट तो देखिए इंटीग्रेटिंग द पुअर इन द मेन स्ट्रीम कि हमारा हमेशा ये एम रहा है कि किसी तरह से पुअर पीपल को इंटीग्रेट करने किसके अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर बिकॉज मेन स्ट्रीम के लोग जो बेनिफिट ले पाते हैं ठीक है जो लाइफ को इन्जॉय कर पाते हैं जो डेवलपमेंट के बेनिफिट ले पाते हैं वो पुअर पीपल नहीं ले पाते तो पुअर पीपल को भी मेन स्ट्रीम में हम लाए किसी तरह से पॉवर्टी रिडक्शन करें ये हमारा मेन एम रहा है ठीक है तो कॉन्स्टेंट असेंबली को एड्रेस करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी पॉवर्टी के बारे में क्या कहा था कि दिस अचीवमेंट क्या अचीवमेंट जो हमने इंडिपेंडेंस का अचीवमेंट लिया है एक पहला स्टेप है एक ओपनिंग है अपॉर्चुनिटी ठीक है कि हम बहुत सारी आगे जाकर बहुत सारी जो Uh, जो विजय हैं उनको हम क्या करेंगे हमको अचीव करेंगे बहुत सारे गोल्स को हमको अचीव करना है एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट्स सच्स हमारे सामने बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंस मिलना सब कुछ नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस में तो हमको कुछ नहीं मिला अगर हम देखेंगे तो हमको रू एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया कॉलोनियल लेगेसी कैसी है इंड एग्रीकल्चर रू इंडस्ट्रीज ना पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये सब चीज़ें हमको मिला अब इंडिपेंडेंस तो पहला स्टेप था और इंडिपेंडेंस के बाद हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे हमारे पास गोल्स हैं एम्स हैं उसको हमको अचीव करना द एंडिंग ऑफ द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इन ऑफ अपॉर्चुनिटी ये सब चीज़ें हमको क्या करना है ये सब चीज़ें हमारे गोल हैं पहला स्टेप है इंडिपेंडेंस हम हो गए अब आजाद हो गए आजादी के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हमको, हमको क्या करना है इसको हमको अचीव करना है जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना है ठीक है हम कह रहे हैं एंडिंग द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इन ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना तो Constant Assembly में ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू कैन राइट इन दल्सो राइट कोट कर सकते हैं आप ऐसे के अंदर इसको राइट अब देखिए हमको ये समझना होगा कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करें ठीक है अगर हमको ये समझना है कि पॉवर्टी का रिडक्शन कैसे करें तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि पॉवर्टी होती क्या है पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है पॉवर्ट को किस तरह से मेजर किया जा सकता है पॉवर्टी को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है पॉवर्टी को किस तरह से एक्सपीरियंस किया जाता है ये सब चीजें हमको क्या होगा समझ में आनी चाहिए तो देखिए टू नो वट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉवर्टी है क्या पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है कैसे मेजर किया जाता है ये सब चीजें हमको करनी पड़ेगी तभी तो जब हमको पता चलेगा कि भाई दुश्मन कैसा है तभी तो हम उससे लड़ पाएंगे तो दुश्मन कैसा है कि दुश्मन को मेजर करना पड़ेगा कितनी पॉवर्टी है हमारी कंट्री में क्या डेफिनेशन होती है पॉवर्टी कौन कौन पुअर है ये सब चीज़ें हमको डिफाइन करना पड़ेगा राइट एज पॉवर्टी एज मेनी डायमेंशन देखिए पॉवर्टी जो होती है ना उसकी बहुत सारी डायमेंशन आप कह सकते हैं कि भाई अगर आपको शिक्षा नहीं मिली तो यू आर पुअर कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप शिक्षा नहीं ले पाए तो यू आर पुअर आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप हेल्थ फैसिलिटीज को तो हेल्थ भी एक डायमेंशन हो सकता है पॉवर्टी का डायमेंशन एजुकेशन भी हो सकता है एक डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो सकता है कि आपका किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके ऊपर यह हो सकता है कि भाई आपका घर कच्चा है या पक्का है दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया पॉवर्टी को मेजर करने का ठीक है आपके घर में पानी आता है कि नहीं आता दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द और वन ऑफ द डायमेंशन फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी समझ में आ रहा है तो पॉवर्टी जो है ना दैट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ठीक है तो पॉवर्टी को हमको समझना होगा सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द पॉवर्टी पॉवर्टी है क्या हम कैसे मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी को यह हमको समझना होगा और हमें ये समझना होगा कि हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं उसको स्टडी कैसे करें एंड इवन एक्सपीरियंस उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी जाकर हम क्या करेंगे पॉवर्टी से के लिए प्रोग्राम निकाल पाएंगे राइट तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉवर्टी जो है मल्टी डायमेंशन है इसके विजिश इंडिकेटर्स होते हैं जैसे सबसे पहले इनका इंडिकेटर क्या है कि कितना तुम कमाते हो कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायमेंशन से कम पर, पर्टिकुलर पैसे से कम कमाते हो तो आपको कह देंगे भाई तुम पुअर हो ठीक है तो एक क्राइटेरिया तो हो सकता है कि आपकी इनकम क्या है और आपका कंजम्पशन क्या है किस तरह से आप कंज्यूम करते हो दैट ऑल्सो डिफाइन यू की यू आर पुअर और रिच ठीक है वो देखिये जैसे रिच पर्सन जो होगा वो तो कहीं पर भी जाके कंजम्पन कर सकता है ठीक है बड़े बड़े ब्रांड्स खरीद सकता है राइट ब्रांड्स के क्लोथ्स खरीद सकता है पर पुअर पीपल किस तरह से कंजम्पन करेगा उस वो डिफाइन करेगा कि आप पुअर है कि नहीं है सोशल इंडिकेटर सोशल इंडिकेटर जैसे हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया इलिटरेसी हो गया ठीक है दिस इज वॉट दिस इज द सोशल इंडिकेटर्स वो डिफाइन करेगा कि तुम पुअर हो कि नहीं हो राइट

अनु पुअर है और किस तरह से सुधा जो है वो क्या है अमीर है तो अमीर लोग कैसे करते हैं ये सब वो बहुत ही अमीर तो दो एक्सट्रीम है ठीक है अनु और सुधा क्या है दो एक्सट्रीम है और इसके बीच में है ना इसके बीच में अनु और सुधा के बीच में बहुत सारे लोग आएंगे ठीक है ऐसा भी होगा ये देखे अनु जो है वो तो क्या है बिल्कुल गरीब है और सुधा जो है वो बिल्कुल अमीर है ठीक ये ये रिच है, है।, है, है।, है, है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो यहाँ पर देखेंगे ये जीरो है और ये मान लीजिए हंड्रेड है तो इसके बीच में भी बहुत सारे लोग आएंगे तो भाई हम पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करें अगर हम सुधा और इसके बारे, इसमें बात करें अनु के बारे में बात कर लें तो बीच में जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है जो अपर मिडिल क्लास है वो लोग भी आएंगे तो उनके बेसिस पे हमको एक अच्छा सा क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए किसको हम पुअर बोलें और किसको हम अमीर बोलें और किसको हम गरीब बोलें हमारे जैसे लोग भी तो आएंगे बीच में ठीक है सुधा और अनु के बीच में ठीक है तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे तो यहाँ पर ये लिख रहा है देर आर ऑल्सो पीपल हु बिलोंग्स टू द मेनी स्टेजेस इन बिटवीन ठीक है तो जैसे पुष्पाट वेंडर्स स्ट्रीट कॉपल होस्टिंग ठीक है ये सब लोग इनके बीच में ये ये भी लोग हैं ठीक है पुअर पीपल इन कच्चा अगर हम देखें कि पुअर पीपल के कौन तो पुअर होते हैं आप कहेंगे. कच्चा सा एक हाउस होता है कहेंगे, mud, mud और रूफ से बनी हुई दीवारें होती हैं ठीक है थेके? ग्रास थाम्बूज एंड बोट इस तरह का यहाँ से इनका घर बनता है राइट इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं पोअरेस्ट ऑफ डो ठीक है जब जो सबसे गरीब होता है उसके पास तो घर भी नहीं होता है ये जो घर है छोटा घर है वो भी नहीं होता इसके अंदर ठीक है और हम पुअर पीपल की तो इवन इफ सम ऑफ देम हमस्ट लैंड इट इज ओनली ड्राई और द अगर पुअर पीपल के पास अगर कोई जमीन भी होगी तो ड्राई और वेस्टलैंड होगी ठीक है जिसपे कोई ना खेती हो रही है ना वो हो रहा है तभी तो वो पुअर रह रहा है राइट इसके साथ साथ स्टारवेशन एंड हंगर घर में हमेशा भूख रहेगी ठीक है भूख हंगर स्टारवेशन इस तरह से यहाँ पर चलता रहेगा राइट द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी पुअर के पास आप देखेंगे तो उसकी करेक्टरिस्ट ये होगी कि उसके पास बेसिक लिटरेसी और स्किल नहीं होगी राइट पुअर्स आर ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी वो फेस करेगा पुअर इस तरह से इसके अंदर तो पुअर कैसा है कैसा पर्सन है पुअर जिसके पास लैंड नहीं है लैंड है तो वो ड्राई है ठीक है स्टारविशन हंगर है ठीक है बेसिक लिटरेसी और उसके पास स्किल नहीं है अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट है ठीक है कभी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है कभी नहीं मिलता तो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट है फिर हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अलार्मिंग हाई हाई द के अंदर बहुत हाँ होते दे बोरो फ्रॉम द मनी लैंडर्स मनी लैंडर से बोरो करते हैं वो ठीक है और इसके अंदर तो क्रॉनिक इनडेपनेस डेट ट्रैप के अंदर वो फंस जाते हैं ठीक है ये अपन ने बहुत सारी डायमेंशन के अंदर पढ़ रखा है पॉलिटी की जब अपन आर टी पड़ी थी राइट द पुअर आर हाईली वनरेबल पुअर जो है वो हाईली वनरेबल है दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट दे जैसे एम्प्लॉयज होते हैं जो इनको नौकरी पे रखते हैं उनसे ज्यादा ये बहस भी नहीं कर सकते जो वो दे देगा वो इनको लेना पड़ेगा मोस्ट पोर हाउस होल्ड नो एच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज फायरवुड एंड काउड एंड केक्स इनसे ये क्या करते हैं खाना बनाते हैं इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एलपीजी सिलेंडर नहीं है तो ये क्या है ये पुअर पीपल का इन्होंने डायमेंशन बताया कि हमारे दिमाग में जो पुअर पीपल है वो कैसे होते होंगे ये इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है समझ में आ रहा ये वाला तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से लेकर चले पॉवर्टी जब हम समझे तो बिल्कुल बेसिक से समझे और दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीआर कि इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर जाना हैं और बिल्कुल फिर जो भारी भारी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी इसके अंदर आगे चलकर बताए जाएंगे तो देखिए लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर पीपल डो नॉट इवन है जहां पर क्या होता है जहाँ पर पुअर्टी होती है तो वहां पर एक्सट्रीम जेंडर इनक्योलिटी होती है पुअर वीमेन रिसीव लेस केयर ऑन देर वे टू मदरहुड ठीक है जब वो प्रेगनेंसी के अंदर भी उनको ज़्यादा केयर नहीं मिल पाती है ठीक है ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है राइट इसके अंदर हम देखेंगे इसके साथ साथ देर चिल्ड्रंस आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बॉन्ड हेल्थी ठीक है चिल्ड्रंस जो होते हैं वो देखेंगे अगर आप गरीब लोगों के चिल्ड्रंस होंगे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं ठीक है अगर पैदा हो जाते हैं तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते राइट इकोनॉमिक्स आइडेंटीफाई पोव ऑनिस ऑफ एंड ओनर इकॉनॉमिक्स ने क्या कहा है, है पुअर को हम कैसे कर सकते हैं ऑक्यूपेशन और ओनरशिप ऑफ दिफाइन कर सकते हैं तो देखिये तो दिस दे स्टेट दे रूर पुअर मेनली हैज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स ठीक है लेग्ने 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 ये मेनली जो होता है वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं पुअर पीपल ठीक है कल्टीवेटर विदेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग तो पुअर जो पर्सन देखोगे आप लैंड लेस लेबर होगा पुअर ठीक है कल्टीवेटर होगा विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग ठीक है लैंड लेस लेबर लैंड लेस एग्रीकल्चर लेबर लैंड लेस लेबर हुर एंगेज अवराइट नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स ठीक है तो आप इसके अंदर इस तरह से देखें हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड अब देखिए इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने हमारे यहाँ पे पुअर है तभी तो जाकर पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे कोई स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर दिस स्कीम्स टू भी इम्प्लीमेंटेड और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कौन पुअर है तो उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं हम स्कीम्स को बना सकते हैं अब हम स्कीम बनाएं तो हमको पहले पता होना चाहिए ना कि हमारे सामने कितने लोग पुअर हैं तो उनके लिए हमको स्कीम बनानी है तो उसके बेसिस पे अपन स्कीम बनाएंगे उसके बेसिस पे रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे उस स्कीम को तो पहला पहलाटैम्प जो हुआ था किसको पॉवर्टी को मेजर करने का जो पहला हुआ था वो दादा भाई नोरोजी ने करा था और दादा भाई नोरोजी ने यहाँ पर जेल ऑफ लिविंग इसके अंदर इसमें बताया था और इससे उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी थी कि भाई एक पॉवर्टी लाइन है इससे नीचे वाले जो होंगे वो पुअर होंगे और उससे ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे नॉन पुअर होंगे तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस, इन्होंने अपनी क्या इसके अंदर बताया था कि

पहला पॉइंट ठीक है दूसरे बच्चे रहते हैं ठीक है अब एडल्ट्स में अगर हम देखेंगे तो एडल्ट्स के अंदर टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो एडल्ट्स की होती है टू थर्ड पॉपुलेशन एडल्ट की है और वन थर्ड पॉपुलेशन जो है वो चाइल्ड की बच्चे की और वन थर्ड में से भी ऐसे आधे इसमें आधे बच्चे तो ऐसे हैं वन थर्ड मतलब वन सिक्स बच्चे ऐसे जो कि क्या है जो खाना खाते ही नहीं है वन सिक्स बच्चे बहुत छोटे बच्चे ठीक है आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो कि खाना नहीं खाते और आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि खाना खाते हैं समझ में आ गया तो टू थर्ड तो पर है एडल्ट्स और चाइल्ड जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो वन सिक्स जो है उसको तो खाना खाना ही नहीं है उसको तो है ना इसको जीरो खाना खाना इसके लिए खाना है ही नहीं राइट क्योंकि इतना छोटा बच्चा है इसके लिए कुछ है ना तो वन सिक्स इंटू जीरो वन सिक्स और इसके अंदर जो है ये जो है वन सिक्स ठीक है ये कितना खाएंगे एक आदमी अडल्ट जितना खाता है अडल्ट मान लो वन खाता है तो ये खाएंगे वन बाई टू ऑफ अडल्ट समझ में आ गया ये सबको समझ में आ गया देखो कि कंट्री के अंदर टू थर्ड अडल्ट है समझ में आ रहा है और वन थर्ड जो है वो चाइल्ड है और वन थर्ड चाइल्ड में से भी वन सिक्स जो है ठीक है मतलब इनके आधे आधे कर ले वन तो है बहुत ही छोटे जिनको खाने की कोई जरूरत नहीं जीरो और वन सिक्स जो है उनको क्या है वो अडल्ट का आधा खाते हैं जितना अडल्ट खाते हैं उसका आधा ये खाते हैं समझ में I hope this is clear. तो ये 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 उन्होंने कहा कि हमको करने के लिए तो ये देखो into zero करेंगे हम पहले क्यों करा? क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनको ज्यादा कुछ खाना है ही नहीं ठीक है बहुत छोटे बच्चे दूसरा है into half. Into half क्यों करा? कि ये वैसे बच्चे हैं जो कि आधा खाना खाते हैं अडल्ट का आधा खाना खाते हैं तो वन सिक्स इंटू हाफ कर दिया प्लस टू थर्ड ऐसे लोग हैं जिनको फुल प्लेट जो होगी जेल की फुल प्लेट जो होगी वो खाने तो टोटल लगाया थ्री फोर्थ ऑफ फुल फुल प्लेट जो भी जेल की फुल प्लेट है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका अगर थ्री फोर्थ आपके पास है ठीक है अगर आपके पास थ्री फोर्थ है उसका ठीक है आपकी फैमिली के पास जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका थ्री फोर्थ है तो मतलब आप पुअर नहीं है अगर थ्री फोर्थ नहीं है तो मतलब आप पुअर है इज दिस क्लियर

और दूसरा हाफ जो है वन सिक्स है दूसरा ठीक है वन थर्ड का हाफ वन सिक्स वो क्या है वो आधा प्लेट खाता होगा जितना एडल्ट खाता होगा राइट ये क्लियर है तो यहाँ पर हम अगर अराइव करेंगे इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वन सिक्स इंटू नल नेल कर दूँ वो लोग जो कि बिल्कुल बहुत कम खाते हैं ठीक है जो खाते ही नहीं है मतलब उनको नेल कर सकते हैं अपन ठीक है वो बच्चे वन सिक्स इंटू हाफ वो बच्चे जो एक अडल्ट आदमी की आधी प्लेट खाते होंगे और टू थर्ड ऑफ द फुल ये लोग तो फुल प्लेट खाते होंगे टू थर्ड फुल थ्री फोर्थ इंटू फुल कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट इज नोन एज एस दैट इज अगर आपके पास थ्री फोर्थ है तो आप क्या कर सकते हैं आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं अगर थ्री फोर्थ नहीं है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे राइट तो इस तरह से दादा भाई नॉरोजी का एक कॉन्सेप्ट था अब ये बताएं सभी बच्चे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इज दिस क्लियर विद एवरी वन जल्दी बताएं शुड आई रिपीट इट अगेन और शुड आई मूव फर्दर जल्दी बताएं इज दिस क्लियर ये चीज समझ में आ गई सबको थ्री फोर्थ कैसे निकाला दादा भाई ने और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इसलिए लिया क्योंकि जेल और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो चाहिए चाहिए इतना तो चाहिए आदमी को कि है ना तो थ्री फोर्थ ऑफ अगर आपके पास जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो मतलब आप पुअर नहीं है थ्री फोर्थ ऑफ जेल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है तो आप मतलब पुअर है ठीक है जल्दी बताएं दिस क्लियर विद एवरी तो ये हमने इसके अंदर पर पढ़ लिया। तो देखिए in तो तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इन कंट्री बहुत सारे बहुत सारे रिपोर्ट्स आप देखेंगे तेंदुलकर रिपोर्ट है लकड़वालाउस रिपोर्ट है राइट तो ये सब चीजें क्या है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें करी गई राइट इन बॉडी टास्क फोर्स प्रोजेक्शन ऑफ कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म

मतलब इस पॉवर्टी लाइन जैसे उन्होंने बोला थ्री फोर्थ पौर्ट, एक पॉवर्टी लाइन है थ्री फोर्थ तो ऑफ जोइेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इससे अगर कम है आपके पास तो आप पुअर है इससे अगर ज्यादा है आपके पास तो आप नॉन पुअर है और दी आर मेनी ऑफ पुअर अब इसके अंदर भी देखेंगे आप कि पुअर के अंदर भी अगर आप देखें कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी पॉवर्टी लाइन एक, एक ऐसी लाइन जिसके इधर वाले पुअर और इधर वाले नॉन पुअर ठीक है और हम देखेंगे इस पुअर वाली कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जैसे एब्सोल्यूट एक तो बहुत ही गरीब अत्यंत गरीब ठीक है एक वेरी पुअर एक पुअर इस तरह से हो सकता है और नॉन पुअर के अंदर भी एक तो भैया ये अंबानी टाइप के लोग एक हमारे टाइप के लोग मिडिल क्लास टाइप के लोग इस तरह के यहाँ पर लोग आपको देखने को मिले ठीक है तो हाउ हावेर दे आर मेनी काइंड ऑफ पुअर जैसे इसके अंदर बता रखा है इस तरह के पुअर uh, हो सकते हैं और नॉन पुअर भी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास रिच वेरी रिच एंड एब्सोल्युटली रिच ये इस तरह से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं वेरी पुअर टूस विदर्टींग पोअर एंड द नॉन पुअर पॉवर्टी लाइन ये एक पॉवर्टी लाइन है जो दादा भाई नरोजी ने थ्री फोर्थ तो ऑफ कोस्ट ऑफ लिंग बनाई थी दट इज वॉट कि इसके इधर वाले क्या है इधर वाले तो पुअर हैं और जिनको थ्री फोर्थ से ज्यादा मिल रहा हैं, वो हैं, है वो नॉन पुअर है पर नॉन पुअर में भी आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज है ठीक है इतना समझ में आ रहा है अब देखिए हम कुछ कैटेगराइजेशन कर रहे हैं पॉवर्टी का वो आपको समझना और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रलिम्स अंडरस्टैंडिंग ठीक है प्रलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए एक पॉवर्टी लाइन है मतलब इसके ऊपर जो होंगे वो तो नॉन पुअर होंगे और इसके नीचे जो होंगे दैट इज पुअर तो सबसे पहले हम ये वाला ग्राफ देखते हैं ये देखो ये ऐसे लोग हैं जो कभी उठ ही नहीं पाए मतलब पॉवर्टी लाइन से कभी ऊपर ही नहीं जा पाए तो इनको हम बोलेंगे ऑलवेज पुअर ये ऑलवेज पुअर ये ये है कि यूजअली पुअर कभी कभार ये एक बार जा चुके हैं ऊपर ठीक है ऊपर जा गए थे कभी ठीक है और फिर वापस आ राइट मतलब किसी किसी टाइम पर ये इसको क्या बोलते हैं यूजअली पुअर आप देखिए ये ये जनरली आ नहीं रहे बस एक बार इतना अगर हम देखेंगे इतने टाइम पीरियड में बस एक बार ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए ठीक है तो इसको यूजअली पुअर बोलते हैं और ऑलवेज पुअर और यूजअली पुअर को अपन बोलते हैं क्रॉनिक पुअर ठीक है तो कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर

और नॉन पुअर के अंदर देखिए ओकेजनली पुअर भी नॉन पुअर के अंदर आ रहा है और नेवर पुअर भी आ रहा है तो ये देख लीजिए आप एक बार इसको आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ये सबको क्लियर होगा ये ग्राफ जो है ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो आपको इस तरह का ग्राफ भी दे सकते हैं मैच फॉलोइंग के अंदर तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए ठीक है चलिए तो यहाँ पर ये दे रखा है देखिए दे आर मेनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी इन सच वे पीपल आर ऑलवेज पुअर जब ऑलवेज पुअर होते हैं होते हैं तो क्रॉनिक पोअर बोलते हैं जैसे अपन ने देखा अभी ग्राफ के अंदर ठीक है इसी तरह से चर्निंग पुअर के अंदर क्या है कि वो आते आते रहते हैं पॉवर्टी के अंदर राइट सीजनल वर्कर्स होते हैं जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दैट विल कम इन चर्निंग पुअर और ऑकेजनली पुअर वो होते हैं जो कि हमेशा हर टाइम पर रिच ही रहते हैं कभी कभार ही वो क्या करते हैं कभी कभार ही वो होते हैं राइट right? कभी कभार पुअर हो गए बहुत मुश्किल से जो कि ऑकेजनली पुअर होते हैं राइट जो क्या होता है वो कभी कभार पुअर होता है राइट right? तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन नाउ लेट लेटेस्ट एग्जामिन हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन एंड देयर आर वे फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन को कैसे हम पर डिटरमाइन करते हैं और यहां पर बहुत सारे तरीके हम पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए बट ये सब चीजें हम क्या करेंगे कल की क्लास के अंदर पढ़ते हैं सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट टू क्लास एंड यू एंजॉय दिस क्लास ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग मी सो काइंडली बाय बाय टेक केयर एंड है लाइफ